अक्टूबर की सुबह दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और मुंबई जैसे शहरों में रहने वाले कुछ पत्रकारों के घर की घंटी बजती है। दरवाजा खुलते ही सामने थे स्पेशल सेल के अफसर और कुछ जाने माने पत्रकारों और एक्टिविस्ट के घर पर पड़ा था छापा। ये सभी न्यूज क्लिक से जुड़े नाम थे जिनके घर छापेमारी हुई। उनमें अभिसार शर्मा, उर्मिलेश परंजॉय, गुहा ठाकुर और भाषा सिंह जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी शामिल हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने पत्रकार के मोबाइल, लैपटॉप और हार्ड डिस्क वगैरह जब्त कर लिए। आरोप है कि चीनी प्रोपेगेंडा के लिए न्यूज क्लिक को करोड़ों की फंडिंग मिली। 17 अगस्त 2023 को न्यूज क्लिक के खिलाफ UAPA का मुकदमा दर्ज हुआ और अब इसी आधार पर कार्रवाई की गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गोहित कौशिक। इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में जानेंगे क्या है UAPA एक्ट, इसके तहत किसके खिलाफ कार्रवाई होती है और इसे बेहद सख्त क्यों माना जाता है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं ये UAPA एक्ट है क्या। UAPA का फुल फॉर्म अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों पर रोकथाम लगाना है। पुलिस और जांच एजेंसियां इस कानून के तहत ऐसे आतंकियों, अपराधियों और संदिग्धों को चिन्हित करती है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। बता दें कि UAPA कानून को साल 1967 में लाया गया था। तब से लेकर अब तक इसमें 4 बार संशोधन किए जा चुके हैं। 2004, 2008, 2012 और 2019 में इस कानून में बदलाव किए गए हैं। अब ये जान लेते हैं कि UAPA के तहत आतंकवादी कौन है। UAPA की धारा 15 के मुताबिक भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा या संप्रभुता को संकट में डालने या संकट में डालने की आशंका के इरादे से भारत में या विदेश में जनता या जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की आशंका के इरादे से की गई गतिविधि आतंकवादी हरकत है। परिभाषा के मुताबिक इसमें बम धमाकों से लेकर जाली नोटों का कारोबार तक शामिल है। धारा 35 में सरकार को अधिकार दिया गया है कि किसी व्यक्ति या संगठन को आतंकवादी घोषित कर सकती है। सरकार को इसके लिए गैर कानून गतिविधियां रोकथाम प्राधिकार के सामने अपने फैसले को सही ठहराना होता है। ये भी जान लीजिए कि बड़े आतंकी संगठनों के खिलाफ हो चुकी है कार्रवाई। बता दें कि अभी तक इस कानून के तहत कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। UAPA का इस्तेमाल आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर, लश्कर ए तैयबा के मुखिया हाफिज सईद, आतंकी जकीर उर रहमान लखवी और आतंकी दाऊद इब्राहिम के खिलाफ किया जा चुका है। वहीं 2016 से 2020 के बीच कुल 24,134 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी साल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में जानकारी दी थी कि साल 2016 से 2020 के बीच कुल 24,134 लोगों को UAPA कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ सुनवाई हुई, लेकिन इनमें से केवल 212 लोग ही दोषी साबित हो सके। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया टीवी एक्सप्लेनर्स।